नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। मौजूदा अनुबंध शर्तों पर होंगी भर्ती, कार्मिक विभाग को नई इंस्ट्रक्शन जारी करने के निर्देश। हिमाचल के सरकारी विभागों में अब भर्तियों अनुबंध के वर्तमान नियमों के तहत ही होंगी। वही राज्य सरकार ने 3 महीने की कसरत के बाद इस बारे में नई इंस्ट्रक्शन जारी करने के निर्देश कार्मिक विभाग को दिए हैं। इसके बाद सभी महकमों से लोकसेवा आयोग को नई भर्ती की रिक्विजेशन जाना शुरू हो जाएगी। वही बता दें कि 6,000 से ज्यादा पदों पर अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वही दरअसल 13 अप्रैल 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अनुबंध भर्ती के नियम रूल 4 और रूल 15 में बदलाव किया जाए। इससे अनुबंध सेवा की अवधि वर्तमान 2 साल के बजाय जब सरकार नोटिफाई करे तब तक चलनी थी और वेतन भी फिक्स्ड आधार पर मिलना था। वहीं बता दें कैबिनेट के इस फैसले को लागू करने के लिए कार्य विभाग ने लोक सेवा आयोग और विधि विभाग से भी फाइल को कंप्लीट करवाया, लेकिन अधिसूचना जारी होने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे होल्ड करने के निर्देश दिए थे। वहीं दूसरी तरफ जब तक अनुबंध नियम फाइनल नहीं हो जाते तब तक लोकसेवा आयोग ने भी नए भर्ती विज्ञापन नहीं निकाले। स्कूलों में नहीं बदलेगा ड्रेस कोड, शिक्षा विभाग के निर्देश, छात्रों संघ अभिभावकों की टेंशन दूर। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वर्दी का रंग फिलहाल नहीं बदलेगा, इस सेशन में पुराना ड्रेस कोड ही लागू रहेगा। वही शिक्षा विभाग की ओर से इस संदर्भ में स्कूलों को लिखित में निर्देश जारी कर दिए हैं। वही बता दें कि इन निर्देशों के बाद असमंजस में चल रहे अभिभावकों के साथ प्रदेश के सैकड़ों वर्दी विक्रेताओं के लिए भी राहत की खबर आई है, क्योंकि एक तरफ जहां बच्चों के माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि वे वर्दी के लिए कपड़ा खरीदे या नहीं, वही दूसरी ओर दुकानदार असमंजस में थे कि यदि वे कपड़ा लाते हैं और यदि स्कूलों में वर्दी का ड्रेस कोड बदल गया तो उनके कपड़े की तो बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि फिर उसे कौन खरीदेगा। वही दरअसल प्रदेश नई सरकार के बनने के बाद शिक्षा विभाग में वर्दी के वितरण को लेकर काफी बदलाव किए गए हैं। प्रदेश को औद्योगिक हब बनाएगी सरकार, बीबीएन उद्योग संघ की बैठक में बोले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन। जे उद्योग संसदीय कार्य आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिक्कू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश स्तर बनाने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए सरल नीति बनाई जा रही है। वहीं हर्षवर्धन चौहान दून विधानसभा क्षेत्र में बद्दी बोटी वाला नालागढ़ उद्योग संघ के साथ आयोजित वार्षिक बैठक तथा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बद्दी बोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र के क्षेत्र प्रदेश की आर्थिक रीढ़ है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ के लखनपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इन उद्योगों के स्थापित होने से लगभग 15,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों की समस्याओं को बातचीत के माध्यम से हल कर रही है। वहीं बेहतर निवेश वातावरण प्रदान करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। हिमाचल में प्रति व्यक्ति हर रोज मिलेगा 75 लीटर पानी, सरकार ने फील्ड अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति को प्रतिदिन 75 लीटर पानी मिलेगा। वह जल शक्ति विभाग योजना को सिरे चढ़ाने का प्रारूप तैयार कर रहा है। इसको लेकर फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट और सुझाव मांगे गए हैं। वह अभी कुछ शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में तीसरे दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है। वह सरकार ने हिमाचल के सभी पेयजल स्रोतों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हिमाचल में अन्य पानी की स्कीम बनाए जाने और पानी की लीकेज रोकने को लेकर संबंधित फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। वह हिमाचल में जल जीवन मिशन के तहत 18 लाख लोगों के घरों में पानी के कनेक्शन लगाए गए हैं। वे बता दें कि 3,500 के करीब लोगों को 9 अगस्त तक कनेक्शन आवंटित किए जाने हैं। इसको लेकर भी सरकार ने फील्ड अधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। वह जल शक्ति विभाग का मानना है कि शिमला जिले में 599, कुल्लू और सिरमौर में 1,000 कनेक्शन लगाए जाने हैं। इसके अलावा सरकार ने अन्य जिलों से भी ऐसे घरों की सूची मांगी है जो कनेक्शन से छूट गए हैं। शिक्षा विभाग ने 12 प्राइमरी बीआरसीसी हटाए निदेशालय से जारी हुए निर्देश। जिस सिरमौर के 14 शिक्षा खंडों में कार्य कर रहे प्राइमरी बीआरसीसी में से 12 बीआरसीसी को हटा दिया गया है। वह निदेशक प्राइमरी शिक्षा विभाग ने कार्यालय निर्देश जारी कर इन बीआरसीसी को ऐसे प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति दी है जहाँ शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। वहीं वर्तमान में सिरमौर जिले में 15 शिक्षा खंड हैं, इनमें से 14 शिक्षा खंडों में समग्र शिक्षा अभियान में बीआरसीसी प्राइमरी और बीआरसीसी अपर कार्य कर रहे थे। वहीं बता दें कि एक शिक्षा खंड खोड़ो वाला हाल ही में अस्तित्व में आया है। बल्क ड्रग पार्क में 15,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार, सरकार को पहली किस्त मिली। जब जिला ऊना के हरोली क्षेत्र में निर्मित होने वाले बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को देश के फार्मा हब के रूप में स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध हुआ। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की यह परियोजना प्रदेश के मौजूदा फार्मा पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को निवेश अनुकूल राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। वहीं संभावित निवेशकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
दसवीं और बारहवीं की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि दसवीं और बारहवीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा, अतिरिक्त विषय और अंक सुधार की परीक्षाओं में आवेदन करने की तिथि 15 जुलाई तक कर दी गई है। वही पात्र परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित विद्यालय की ओर से ऑनलाइन माध्यम से ₹1,000 विलंब परीक्षा शुल्क के साथ 15 जुलाई तक पहुँच जाना चाहिए। वह निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की सेमेस्टर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी 17 जुलाई से शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 17 जुलाई से स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की परीक्षाएं आयोजित करेगा। वह प्रदेश भर में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है। वह साथ ही इसे आम छात्र छात्राओं की सुविधाओं के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वह बता दें कि स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की रेगुलर और दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद री अपीयर परीक्षाएं जारी रहेंगी। वह विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने बताया कि छात्र परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल वेबसाइट पर देख सकते हैं। हिमाचल में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर 168 सड़कें ठप, 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार दोपहर को प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं भारी बारिश से प्रदेश में नदी नाले उफान पर है। वहीं प्रदेश में जारी बारिश के चलते शुक्रवार शाम तक 168 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। वहीं शिमला में 46 और नाहर में 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं शिमला में जगह जगह जल भराव की सूचना है। वहीं कई जगह मलबा सड़कों पर आ गया है। वहीं सरकार ने लोगों से मौसम को भांप कर ही यात्रा करने की सलाह दी है। पंडो बांध के डाउन स्ट्रीम में नई बिजली परियोजना स्थापित करने की तैयारी। जब बग्गी जल विद्युत परियोजना का निर्माण शीघ्र आरंभ करने के प्रयास जारी हैं। इसके अलावा पंडो बांध के डाउन स्ट्रीम में भी 10 मेगावाट की नई विद्युत गृह परियोजना स्थापित करने की योजना है। वही बता दें कि बग्गी हाइडल चैनल पर केनल टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। वही BSL परियोजना के 47वें स्थापना दिवस पर BBMB अध्यक्ष इनंदलाल शर्मा ने यह संदेश जारी किया। वही बता दें कि शुक्रवार को पंडो में स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर BSL मुख्यालय के अधीक्षक ई अजयपाल सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पंडो बांध स्थित शहीदी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चीड़ की पत्तियों से ईंधन पैदा करने वाली ईंटों का उत्पादन करेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल सरकार नवीनीकरण ऊर्जा और बायोमास के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में चीड़ की पत्तियों को उपयोग में लाएगी। इन पत्तियों का विपरीत प्रभाव कम करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के हिमालयी क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी केंद्र ने एक नवीन समाधान विकसित किया है। इसमें चीड़ की पत्तियों का उपयोग बायोमास ऊर्जा के विकल्प के रूप में किया जाएगा। इसको लेकर नई मशीन स्थापित की गई है। वहीं बता दें कि यह चीड़ की पत्तियों से ईंधन पैदा करने वाली ईंटों इत्यादि का उत्पादन करेगी। मुख्य सचिव ने भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जल्द निकालने के दिए निर्देश। अधिकारियों के साथ की बैठक। जम्मू के सचिव प्रबोध सक्सेना ने पेपर लीक मामले में भंग हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली गई ऐसी परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं जिनकी जांच नहीं चल रही है। वहीं शुक्रवार को राज्य सचिवालय में लोकसभा आयोग के सचिव के साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव ने परिणाम जल्द निकालने को कहा है। रायपुर रैली में विपक्षी दलों की एकता पर PM का प्रहार, बोले जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस एवं विपक्षी दलों की एकता की कोशिशों पर करारा वार करते हुए कहा कि अगर वो सोचते हैं कि ऐसा कर वो मोदी को डरा पाएंगे तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि जो डर जाए वो मोदी नहीं होता। वहीं PM मोदी ने वर्ष के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के होने वाले आम चुनावों के लिए भाजपा की विजय संकल्प रैली के जरिए प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि जो एक दूसरे को पानी पी कर कोसते थे वो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। वह सोचते हैं कि ऐसा करने से मोदी को डरा पाएंगे पाएंगे तो देश के भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें। अगर वह भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। PM मोदी की रैली में जा रही बस हादसे का शिकार 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। जो उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा पेश आया है। यहां एक तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़े हाईवे को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई यह बस PM मोदी की रैली में शामिल होने के लिए अंबिकापुर से रायपुर जा रही थी। इसी बीच बेलतारा के पास बस ने हाईवे को पीछे से टक्कर मार दी। वहीं बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परकच्छे उड़ गए। वह हादसे के समय बस में करीब 40 लोग सवार थे। इनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर शोक जताया है। वह CM बघेल ने हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। चलिए मैं चलते आज की आखिरी खबर बदले की भावना से काम कर रही सुक्कू सरकार। इससे पहले किसी ने चलते संस्थान को बंद नहीं की। जे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वह नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने लोगों की मांग पर रामपुर विधानसभा क्षेत्र में संस्थान खोले थे। वह सुक्कू सरकार ने शपथ ग्रहण करते ही सारे संस्थान बंद कर दिए। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज के किस जिले
अंदाज से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।